मेरे सबक हैं या कोई टिप के बारे में आप कुछ सवाल करना चाहें, मैं हाजिर हूँ, आप करें। लिखे आपने पढ़ाया महीने के बाद, आप हफ्ते में एक दिन एक घंटा दे दें कि आप व्हाट्सएप के ऊपर मोबाइल के सामने बैठ के वो लेक्चर दिया करें। तो जितने सब हकीम हर एक के पास वो मोबाइल होता है, तो हम वो सुन लिया करेंगे हफ्ते बाद। जी कर साहब, मेरा ख्याल है मदारस बंद कर हो जाने चाहिए, नहीं यही आप वाला तरीका सही है। ओही जेड़ा पढ़ा रहे हो ओही, अगला नहीं, नहीं, जेड़ा पढ़ा रहे हो ओही। मेरा मकसद है कि तुसी मेरे को आए हो, यह सारियां गल्लां इस महफल तो बगैर तुम किस तरह नसीब होनिया सन। मेरी गुजारिश है कि मैं फिर कह रहा कि अपना टाइम निकालो, अपना वक्त निकालो, दर्जी बनने वास्ते दर्जी दे कोल बैठना, उदी मशीन चलानी, उदी कोल बैठना जरूरी है, वरना तुसी दर्जी लकड़ी वाले दे कोल जाके बैठोगे, लकड़ी कटने दे तरीके सारे उदे नजरां दे सामने, जदों तुसी कुछ दिन लगाओगे ते तुसी लकड़ी दे कारीगर हो जाओगे, वरना नहीं। इस इलम दे अंदर भी जिहड़ा कुछ मेहनत करेगा, जो कोई टाइम लगाएगा सीखने वास्ते, टाइम कढ़ेगा, उन्होंने मिल जाएगा। तो दूसरी गल ये कि हर हफ्ते घर बैठे किसी को इलम पढ़ाया जाए, किसी ने पता नहीं पढ़िया कि नहीं पढ़िया, मैनू की पता, किसी को समझ आई है कि नहीं आई, मैनू की पता। इस वास्ते मैं इन्ना कुछ करके भी तुहाडी खातर, ते तुसी मेरे को सिर्फ आके बैठ के एक दो घंटे घंटा सुनने वास्ते तैयार नहीं, तो बहरहाल अपनी थोड़ी जी इस कमी को दूर करो, अल्लाह पाक तुम ये अंदर जो है बरकत ने अल्लाह नसीब करे। हाँ जी सादे मोहतरम, ये जो फहरिस्त है इसमें 7 सवाल हैं, उसमें कुछ सवाल तो हैं जो हमारी आने वाले लेक्चर जो होंगे उनमें वो कवर हो जाएंगे। उनमें से दो नहीं, सवाल इनसे कहें जबानी को सवाल करें जी, ताकि मैं तो उसको मुख्तसर जवाब दूँ। आप इस लेक्चर के मुतल्लिक करोगे, इस लेक्चर नहीं कोई होर भी अगर है, चलो इस लेक्चर के मुतल्लिक भी। हाँ जी जी आप एक सवाल दो करें ना, फिर अगली नशस्तों में देखें। जी कह रहे हैं जी, तहरीक तस्कीन तहलील का हकीकी और निस्बती होना क्या है, इसकी मिसाल क्या होंगी? जी देखिए, मैंने लिखा है कि दो जगह तहरीक है, दो जगह तस्कीन है और दो जगह तहलील है। तहलील है। अब अगर हम इसको दो जगह तकसीम ना करें तो हमारा सबक मुकम्मल नहीं होता। निस्बत से मुराद यह है कि फर्ज करें उजलाती गुदी तहरीक है, तो हल्की तहरीक अगले उजव में भी है, ये निस्बती तहरीक का अमल उसके साथ है। हकीकी तस्कीन जो है वो अगले उजव में है, गुदी साबी में तस्कीन दोनों जगह ही है। समझ नहीं आई? जी अगर तहरीक चार नंबर है तो तस्कीन गुद्दी असाबी और असाबी उदी में है जी, एक में कम है और एक में ज्यादा, यूं कह लें। पहले वाले में ज्यादा होगी हकीकी, नहीं अगले वाले में ज्यादा हुई। क्योंकि तहरीक वाला मकाम जब नुचड़ रहा है तो उसकी नुचेड़ की जो रतूबत है वो तस्कीन वाले मकाम में जा रही है, उसकी वजह से वहाँ कुछ ना कुछ वो असरात उजलाती मौजूद हैं। जी मुख्तसर करें यार। जी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून-ए-तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।